Hello kids, welcome to science session. Today we are starting with a new chapter, that is fun with magnets. अब आप देख रहे हैं चैप्टर का नाम ही कितना इंटरेस्टिंग है, फन विद मैग्नेट्स. मीन्स ये जो मैग्नेट है ये अपने में एक बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है. आपके कितना आपके गेम्स में मैग्नेट होते हैं, और इसमें आप देखते हैं कि हम जब हाथ में लेते हैं कुछ हमें एक अजीब सा एक फीलिंग आती है, क्योंकि जब हम हाथ में लेते हैं, हमारे जब हाथ में मैग्नेट्स होते हैं, हमें कभी लगता है कि हमारा हाथ इज कमिंग क्लोज टू ईच अदर, कभी लगता है वो दूर जा रहा है. और डेली उसमें भी हम कितना मैग्नेट का यूज करते हैं. सो अगर हम खाली चैप्टर का नाम देते मैग्नेट्स तो कितना लगता है अरे मैग्नेट क्या, फिर से क्या पढ़ना है. लेकिन फन विद मैग्नेट्स, दिस मीन्स हम थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट. और अगर कहीं हम मैग्नेट पुट कर रहे हैं तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ पुटिंग अ मैग्नेट इन दैट पर्टिकुलर थिंग. और इस वे में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द चैप्टर इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे. So, today we are going to learn about how magnets were discovered. And इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. पता नहीं आप लोगों को मालूम है या नहीं, हर चीज जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी कभी ना कहीं डिस्कवरी हुई थी, किसी ना किसी ने उसकी खोज की थी. हाँ, सो कुछ चीजें हैं जिसके अगर हमें कहीं पता चलता है कि कैसे उसका डिस्कवरी हुआ तो वी आर नॉट दैट इंटरेस्टेड, क्योंकि देयर माइट बी सम साइंटिस्ट हु आर इन द लेबोरेटरी एंड देन दे आर डूइंग सम एक्सपेरिमेंट्स एंड देन दे आर कमिंग आउट विद सम कंक्लूजन. हम इतना नहीं है. लेकिन ये जो मैग्नेट्स का हुआ था, यू विल बी सरप्राइज किसने इसको फाइंड आउट करा और कैसे फाइंड आउट हुआ. तो आज आपने कभी साइंस में स्टोरी सुनी है? नहीं. ऑलवेज जब भी हम साइंस का टॉपिक लेते हैं देयर आर सम कॉन्सेप्ट्स, देयर आर सम डेफिनेशंस विद विच वी स्टार्ट. लेकिन आज हम लोग जो ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं या ये चैप्टर की भी स्टार्टिंग है, वी आर स्टार्टिंग विद द स्टोरी. तो चलिए आज साइंस के सेशन में हम लोग एक स्टोरी पढ़ते हैं, ठीक है. लेकिन वो स्टोरी देखने से पहले आप ये चीज देखें, ये क्या है. यस, दिस इज अ क्रेन. क्रेन कहां यूज करते हैं हम लोग? टू लिफ्ट अ वेरी हैवी ऑब्जेक्ट्स. तो ये जो एक क्रेन है, ये क्रेन इज यूज टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स, है ना. अब ये हैवी ऑब्जेक्ट्स वो कैसे उठाती है? डू यू नो क्या होता है? हमारा डंप यार्ड होता है, हमारा एक कचरा की स्पेस होती है जहां पे वी डंप एवरीथिंग. हाँ, उसके बाद अब आपको मालूम है कि डिफरेंट टाइप की डंपिंग्स होती हैं. कहीं हमारे जो गार्बेज होता है, कहीं हमारे जो अप्लायंसेस होते हैं वो सारे जो बिल्कुल काम के नहीं है उनका बॉडी बचा है, कार्स का, ये सारा होता है. नाउ इफ वी वॉन्ट टू क्लियर दैट स्पेस वी यूज सच टाइप ऑफ थिंग्स. लेकिन हाउ डज दीज, जो हमारे जो भी हमारी एक हेल्पिंग एड है, हाउ डज दे फंक्शन, वो कैसे फंक्शन करते हैं? कि इनमें देखें, यहां पर एक मैग्नेट लगा होता है, यहां पर एक मैग्नेट लगा होता है. और अब आपको ये तो एक चीज मालूम है कि मैग्नेट ऑलवेज अट्रैक्ट आयन थिंग्स, देयर आर सम मटेरियल्स दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, बस. और अब आप सोच लीजिए ये जो मैग्नेटिक पावर है के, और जितना बड़ा मैग्नेट होता है उतना उसका अट्रैक्शन पावर होता है, और वो हमें कहीं से कोई हैवी चीज हटानी है, दे पिक इट अप. क्लियर? चलिए, सो ये हमने देख लिया मैग्नेट का स्ट्रक्चर. मैग्नेट और कहां यूज करते हैं? इस टाइप से आपने पिन स्टैंड देखा है, क्या करते हैं हम लोग? सिंपल ऑल पिंस लगा देते हैं. लेकिन कभी आपने देखा है द मोमेंट यू ब्रिंग दिस ऑल पिन नियर द मैग्नेट, आपका अपने आप ही हाथ उसकी तरफ चला जाता है और एंड इट अट्रैक्ट्स. आप कहीं और कुछ चिपकाना है, अगर पेपर को वॉल पर आपको स्टिक करना है, यू नीड अ ग्लू. उसके बाद क्या होता है, करने के बाद हम उसको टैप भी करते हैं कि वो अच्छी तरीके से इट गेट स्टिक ऑन द वॉल.
we put some energy. But once the magnet is there and we are holding any magnetic substance, we don't need to put any energy. It's with the attraction of magnet the things get attached. ऐसी ही आपने क्या देखा है हमारा फ्रिज रेफ्रिजरेटर में क्या होता है हम डोर को अगर इवन अगर हम थोड़ी एक डिस्टेंस पे उसको लीव कर दें ओपन इट विल क्लोज ऑन इट्स ओन व्हाई बिकॉज यहां पर भी इसके डोर पर यहां पर मैग्नेट है एक साइड में मैग्नेट एक साइड में हमारा मैग्नेटिक सब्सटेंस तो हम ये नहीं कि हम पूरा डोर खोल दे वो है क्योंकि मैग्नेट का भी एक एरिया होता है इन विच एरिया इट कैन पुट द इफेक्ट एज पर द साइज बट हमें पूरा बंद करने का नीड नहीं होता बस जरा सा पास में लाते हैं एंड देन इट कैन क्लोज ऑन इट्स ओन ऐसी ही पेंसिल बॉक्स से तो बच्चे बहुत गेम खेलते हैं एक हम देखते हैं प्लास्टिक के होते हैं जो हम अपने हाथ से खोलते हैं लेकिन देयर आर मैग्नेटिक पेंसिल बॉक्स केसेस ऑल्सो और ये आप लोगों ने गेम खेला भी होगा आप थोड़े डिस्टेंस पे छोड़ते होंगे वो अपने आप बंद हो जाता है ना तो क्या है हमें बहुत मजा आता है कि यूं छोड़ा एंड इट इज क्लोजिंग ऑन इट्स ओन वी आर नॉट पुटिंग एनीथिंग वी आर नॉट पुटिंग एनी एफर्ट सो यहां देख रहे हैं हम कि कितनी कितनी जगह मैग्नेट्स आर देयर और अगर हम ये भी देखें तो मैग्नेट्स इज सेविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी है ना और कितना और एक तो हमारी एनर्जी सेव हो रही है प्लस हमें ये भी पता चल रहा है कि मैग्नेट्स में देयर इज सम पावर दैट इट कैन अट्रैक्ट द थिंग्स टुवर्ड्स इटसेल्फ अब हम आते हैं स्टोरी पे आप कह रहे होंगे आपने अभी तक स्टोरी स्टार्ट नहीं करी यस लेकिन स्टोरी क्या सबसे पहले हम थोड़ा मैग्नेट की क्वालिटी तो देख लें तभी तो मजा आएगा कि स्टोरी भी समझने में क्लियर सो ये जो स्टोरी है ये क्या है और अब स्टोरी है तो दिस मीन्स हम ये नहीं कह सकते दिस इज द ट्रुथ लेकिन कहीं भी किसी बुक में पढ़ लें तो यू आर गोइंग टू रीड दिस पार्ट ओनली कि हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड और इसका हर बुक में यही एक स्टोरी चल रही है कि हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड तो आर यू रेडी शुड आई स्टार्ट द स्टोरी नाउ ओके तो ये क्या था एक शेपर्ड था शेपर्ड आप जानते हैं ना जो शीप्स को घुमाते हैं है ना जैसे गाय को लोग को घुमाते हैं उनका एक नाम है तो ऐसी जो शीप्स को घुमाते हैं उनको हम कहते हैं शेपर्ड ये जो शेपर्ड था उसका नाम था मैग्नस एंड ही यूज्ड टू लिव इन ग्रीस एंशियंट ग्रीस अब रहता था नाउ अब क्या बात है इसमें यस वो जब शेपर्ड अपना शीप्स को लेकर जाता था उसके हाथ में एक स्टिक होते थे तो जैसे आप देखते हैं ना कि कोई घोड़े को लेकर जा रहा है कोई गाय को लेकर जा रहा है तो क्या होता है दे ऑलवेज कैरी वन स्टिक विद देम के टू टेक द कंट्रोल के वो दे मूव इन अ ग्रुप एज वेल एज के कोई और कोई एनिमल अगर उन पर अटैक कर रहा है तो दे कैन यूज दैट स्टिक टू सेव देयर एनिमल्स तो ही वुड टेक अ स्टिक विद हिम टू कंट्रोल हिज हर्ड हर्ड अब आई एम नॉट टेकिंग इंग्लिश का सेशन लेकिन हर्ड मीन्स द ग्रुप ऑफ शीप्स तो द स्टिक क्या था उसमें एक स्मॉल पीस ऑफ आयरन लगा हुआ था तो जैसे ये स्टिक थी ठीक है सो यहां पर देयर वॉज आयरन का पीस और यहां से वो अपना होल्ड करता था तो उसके स्टिक के एक एंड पे देयर वॉज अ आयरन अटैच टू वन एंड वन डे क्या हुआ ही वॉज सरप्राइज डेट ही हैड टू पुल हार्ड टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम अ रॉक ऑन द माउंटेन साइड क्योंकि वो तो जगह जगह जाता था हिल्स पर भी जाता था जगह जगह तो जब वो एक रॉक के पास गया उसकी जो स्टिक थी वो पूरा उस रॉक में से अटैच हो गई और उसने बहुत कोशिश करी टू
take that stick away from it. But he was finding it very difficult to take that stick away from that rock. It is said that this is how natural magnets were discovered. अब आप समझ गए? तो उसकी जो रॉड थी, है ना, जो उसका स्टिक था उसमें आयरन पीस था. मे बी जो स्टोन पर स्टिक हुआ उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा थी. इट माइट बी अ वेरी स्ट्रांग मैग्नेट. और आप अगर बहुत स्ट्रांग मैग्नेट है तो अगर आप जो चीज चिपकी हुई है उसको अगर आप दूर करना चाहेंगे तो यू हैव टू पुट लॉट ऑफ प्रेशर. आपको काफी एक जोर लगाना पड़ेगा टू मूव इट अवे फ्रॉम द मैग्नेट. तो इस वे में हम कह वो है कि फिर धीरे धीरे वो लोगों को बताया होगा, लोगों ने देखा होगा, चेक करा होगा कि कुछ चीज चिपक रही है कुछ नहीं, तो उनको पता चला होगा कि ये रॉक और कहाँ कहाँ हमें मिल सकती है. तो इस वे में लंबा प्रोसेस चला होगा एंड विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग, मतलब दिस वॉज ओनली अ इंसिडेंस बट दिस इंसिडेंस हैज पुट डाउन अ न्यू मेटीरियल, न्यू थिंग ऑन दिस अर्थ दैट इज ऑफ मैग्नेट. इससे पहले नो वन नोज अबाउट मैग्नेट. नाउ वी आर गोइंग टू लुक फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉक. इट सीम्ड एज द रॉक वॉज अ नेचुरल मैग्नेट एंड इट अट्रैक्टेड द आयरन टिप ऑफ द शेपर्स स्टिक. तो जो अभी मैंने आपको बताया था, ये जो सच रॉक्स को तो आगे चल के क्या नाम दिया गया, मैग्नेटाइट. और हम ये क्यों कह रहे हैं कि मे बी इट वॉज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ द शेपर्ड, क्योंकि शेपर्ड का हमने नाम क्या पढ़ा था, मैग्नस, है ना. तो बिकॉज उसने सर्च करा था, तो कोई भी चीज जो सर्च करता है तो हम लोग क्या करते हैं, वी पुट द लॉ विद हिज नेम. सो सम पीपल बिलीव दैट मैग्नेटाइट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट अ प्लेस कॉल्ड मैग्नेशिया. तो ये थोड़े से लोगों का अलग एक है कि ये स्टोरी गलत है. वो जो ये मैग्नेट का जो हमें पता चला था, तो देयर इज अ प्लेस कॉल्ड मैग्नेशिया, वहां पे इसका मैग्नेट्स का पता चला था. लेकिन द स्टोरी दैट आई हैव रेड अबाउट शेपर्ड, ये आप किसी भी बुक में जाएं, यू आर गोइंग टू गेट दिस स्टोरी अबाउट मैग्नेट्स. नाउ मैग्नेट्स एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. यस, सो अब आप देख रहे हैं कि मैग्नेट्स आर आल्सो ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल मैग्नेट्स एज वेल एज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. सो सब्सटेंसेस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन, दे आर नोन एज मैग्नेट्स. तो अगर मैग्नेट्स की डेफिनेशन हो, द सब्सटेंसेस द थिंग्स दैट कैन अट्रैक्ट द आयरन पार्टिकल्स. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये तो हमें जैसे अभी हमने देखा था डेट वॉज अ नेचुरल मैग्नेट, वो पूरा मैग्नेटिक एक स्टोन था, वो वहां पे अट्रैक्ट कर रहा था. लेकिन अब क्या है, हम अपना भी मैग्नेट प्रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग द पीसेस ऑफ आयरन. दीज आर नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. मीन्स जब हम किसी आयरन थिंग को मैग्नेटाइज कर दें, अब आप कहेंगे ये कैसे होगा, तो धीरे धीरे व्हेन वी विल मूव इन दिस चैप्टर देन आई विल एक्सप्लेन यू हाउ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कैन बी मेड. यस, क्योंकि मैग्नेट अपने में मैग्नेट है, लेकिन जो हम जैसे अभी हमने पेंसिल बॉक्स में देखा, हमने फ्रिज में देखा, तो दीज आर नॉट नेचुरल मैग्नेट्स, दीज आर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. मीन्स हमने आयरन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंसर्ट कर दी हैं. और यस वी कैन डू, तो ये थोड़े से एक्सपेरिमेंट से आई विल एक्सप्लेन यू. सो लेकिन आप जो ऐसे शेप्स और डिफरेंट शेप्स के मैग्नेट देखते हैं, तो मेक इट श्योर ऑल दीज जो हमें डिफरेंट शेप्स के मिल रहे हैं, दे आर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. क्योंकि नेचुरल मैग्नेट तो आपने देख लिया ना, इट्स क्या है, मैग्नेटाइट रॉक है पूरी. सो डिफरेंट शेप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं. जैसे हम लोग कहते हैं बार मैग्नेट, ये हमारा क्या है, दिस इज अ बार मैग्नेट. जैसे होता है ना चॉकलेट बार, तो एक लंबा सा, सो दिस इज बार मैग्नेट.
हॉर्सशू मैग्नेट, इसको हम कहते हैं हॉर्सशू मैग्नेट, ये शेप को, सिलेंड्रिकल मैग्नेट या बॉल एंडेड मैग्नेट। तो ये आपका सिलेंड्रिकल आ गया और ये बॉल एंडेड। तो ये एक्सरसाइज का हम देखते हैं ना, डंबल्स होते हैं वैसे ही शेप के होते हैं। सो ये जो आपको ये हॉर्सशू मैग्नेट या बार मैग्नेट, जब हम इस टाइप के वर्ड्स बोलते हैं, दिस मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे वी हैव लर्न अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द मैग्नेट्स, एज वेल एज वी हैव लर्न हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। ऑल्सो नाउ वी नो द नेम ऑफ द सम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। So in the coming sessions, we'll discuss more about magnets. Till we meet again, bye.